वेलकम माय वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोज टू योर लव एंड लाइफ रीडिंग। सो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑडियो में आ सकती है बिकॉज मेरी ईयरफोन्स बहुत ही अजीब सा बैकग्राउंड साउंड क्रिएट कर रहे हैं कुछ। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट के ईयरफोन्स थोड़े से स्टेबल रहें और आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस सुनाई ना दे। अगर देता है तो माय सिंसियर अपोलॉजीज। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लाइफ के बारे में, ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, सो मैं आपके कार्ड्स तो वैसे ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, बट आई विल गिव इट वन मोर शफल। लेट्स सी इस महीने का ओरेकल क्या है। वी हैव इल्यूमिनेशन। ओके, तो स्कॉर्पियोज बहुत सारी जो रियलिटी है, क्लैरिटी है, वो आपके सामने इस महीने आते हुए दिख रही है। इल्यूमिनेशन को अगर मैं टिपिकल हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो किसी चीज़ पे से पर्दा हट रहा है, या फिर जो डार्कनेस थी कहीं पे, जो अंधेरा था, उसमें वो अंधेरा हट रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, या फिर आपको किसी की रियलिटी समझ में आ रही है। तो ये मैसेज इल्यूमिनेशन हमें दे रहा है। लेट्स सी आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल, तो कुछ अबंडेंस आते हुए दिख रहा है या फिर कुछ जॉब ऑफर आते हुए दिख रहा है, कुछ अच्छा अच्छा आते हुए दिख रहा है इस महीने। या अगेन, ओ नाइस, वाओ, तो बहुत सारे फायर हैं यहाँ पे। तो हो सकता है आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हों। अब देखिए, यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी है कि ये जो किसी चीज़ की रियलिटी आपके सामने इस महीने आ रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन से आए। हो सकता है कि वो आपके इंट्यूशन में आए, या फिर आपके मेडिटेशन में आए, या फिर आपको डिवाइन कुछ एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी किसी चीज़ के थ्रू आपको कोई इशारा दे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है फोर ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपको कुछ ऑफर मिला था जिससे आप सेटिस्फाई नहीं थे, या फिर पास्ट में आपकी कुछ ऐसी लाइफ है जिससे आप सेटिस्फाई, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की आप कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियोस। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली जो ऑफर मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ टाइम से स्कॉर्पियो, और द हाई प्रीस्टेस हमें ये भी बता रही है कि आपका जो इंट्यूशन है पास्ट कुछ टाइम से बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, या फिर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर आपको डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस मिल रहे हैं और आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट में दो एनर्जीज हैं और थोड़ी सी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो पहले तो एट ऑफ वांस देखते हैं। एट ऑफ वांस बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है और ये कम्युनिकेशन के बारे में कार्ड बताता है। तो ऐसा लग रहा है किसी से एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इस महीने आपका होने वाला है, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, या बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपकी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या फिर आपकी किसी से बहुत समय से बात नहीं हो रही थी, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मंथ है कि आपकी किसी से बात फिर से शुरू हो जाएगी, या फिर कोई बहुत ही पुराना फ्रेंड है जिसके टच में आप नहीं थे काफ़ी टाइम से, वो आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा। तो बेसिकली आपकी किसी से बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन होने वाली है। और साथ ही साथ प्रेजेंट पे हमें नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, मतलब कुछ आपको ऑफर मिलते हुए दिख रहा है स्कॉर्पियोज। बहुत सारे लोगों को ये ऑफ़र जॉब में मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को ये रिलेशनशिप किसी फ्रेंडशिप में मिल सकता है, बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी स्कॉर्पियोज, तो ये एनर्जी धीरे 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 करके मूव कर रही है, ये ग्रेजुअली ग्रो होगी।
अगर कोई रोमांटिकली आपको, वैसे तो हम आपकी लव रीडिंग में देखेंगे क्या चल रहा है, बट कोई पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी है जो आपको ऑफर देने का प्लान कर रहा है, बट अभी ये प्लानिंग में चल रहा है. मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा है कि बस आपके पास आके बोल दें. वो ये सोच रहे हैं कि मुझे स्कॉर्पियो को ऑफ़र देना है तो मैं कब दूँ, कब सही समय रहेगा, कौन सी सही जगह रहेगी जब मैं स्कॉर्पियो को अपनी फीलिंग्स बताऊं. और अगर आप कुछ अपने करियर में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम, इट विल हैपन ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे करके वो चीज़ होगी. बट अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, ठीक है? बिकॉज़ दिस एनर्जी टेक्स टाइम. जैसे देखिए, अगर आपको कहीं पे जॉब चाहिए और आप जॉब सीख कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया है कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करनी है, ठीक है, यहाँ से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे भी पोजीशन खाली होनी चाहिए ना आपको जॉब करने के लिए. तो मैं बस आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके जॉब से रिलेटेड हो. जो भी चीज़ से ये रिलेटेड है, ये ऑफ़र आने में टाइम इसीलिए लगेगा क्योंकि ये किसी पर्सन या सिचुएशन से रिलेटेड है. तो आप तो रेडी हैं, पर क्या वो पर्सन और सिचुएशन अभी रेडी है उस पर डिपेंड करेगा. तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो पेशेंस का आ रहा है. और फ्यूचर में बहुत ही अमेजिंग कुछ दिख रहा है. जैसे ये ऑफ़र आ रहा है यहाँ पे, मैंने बताया आपको पेशेंस रखना है. फ्यूचर में सिक्स ऑफ वांड्स दिख रहा है, मतलब किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री दिख रही है, किसी चीज़ में आपकी जीत होते हुए दिख रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल रहा है कहीं से और लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि कुछ फायरी एनर्जी है स्कॉर्पियो, कुछ ऐसा है जिसको सोच के आपको एक्साइटिंग फील होता है, कुछ ऐसा है जो करके आपको मज़ा आता है. हो सकता है आपके पैशन से रिलेटेड हो, आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो, आपके बड़े ड्रीम से रिलेटेड हो, या किसी पर्सन से रिलेटेड हो जिसके लिए आप पैशनेट हैं, तो उस चीज़ में आपकी सक्सेस होते हुए दिख रही है. मैंने पैशन का इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है जो पैशन को दर्शाता है और एक्साइटमेंट को दर्शाता है, एक न्यूनेस को लाइफ में, अलाइवनेस को दर्शाता है. तो फ्यूचर में दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं और वहाँ पे आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे, या फिर आप किसी पर्सन के लिए पैशनेट हैं और उनसे उनके लिए आप एफर्ट लगाएंगे, तो उस चीज़ में आपकी सक्सेस होते हुए दिख रही है. तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कई सारे लोगों के लिए वो फ्यूचर ये महीना भी हो सकता है या कमिंग मंथ भी हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक में हमने एस ऑफ पेंटिकल देखा था. बॉटम ऑफ द डेक बेसिकली वो एनर्जी है जो आपकी तरफ बढ़ रही है पर आपको पता नहीं है. तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल था और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल था. तो ये एस ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, मतलब डिवाइन ने कुछ अप्रूव कर दिया है, स्पिरिचुअल लेवल पे ये चीज़ अप्रूव्ड है. बट धीरे धीरे करके नाइट ऑफ पेंटिकल के थ्रू ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी. तो अगर आपको अपने करियर में कुछ ग्रो होते हुए नहीं दिख रहा है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में आपको स्टैग्नेशन फील हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ है जो आपकी लाइफ में आ रहा है बट स्लो आ रहा है, राइट? और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के कारण परेशान है कि मेरी लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं ग्रो कर रहा है. तो ये जो एनर्जी है ये चेंज होने वाली है जिन लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है. चलिए आपकी ना लव रीडिंग करते हैं. बेसिस ऑफ द सिचुएशन देखते हैं. वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड वी हैव टू ऑफ कप्स. वाओ, तो सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है बेसिस ऑफ द सिचुएशन में, मतलब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ. यहाँ पे मैंने बताया था कि किसी चीज़ पे से पर्दा हट रहा है और कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है. और सेम ये चीज़ यहाँ पे आई है एस ऑफ सॉर्ड्स से. एस ऑफ सॉर्ड भी सेम बात बोल रहा है
कि किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी चीज़ का सच आपके सामने आने वाला है, किसी चीज़ पे से पर्दा हटने वाला है। मतलब मोस्टली ये जो क्लैरिटी है वो डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाली है। आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रहे हैं स्कॉर्पियोज, बहुत सारी इपिफनीज हो रही हैं, आपका इंट्यूशन बहुत कुछ आपसे बोल रहा है। इंट्यूशन के बारे में भी हमने बात की थी, तो बहुत सारे रियलाइजेशन होने हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ना अभी बहुत सारी चीज़ों का ना डीप नॉलेज आपको मिल रहा है लाइफ में, खासकर रिलेशनशिप्स का, कि आपको कैसे पर्सन के साथ रहना है, या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसके साथ आपको रहना है या नहीं रहना है, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आपकी फैमिली कैसी होनी चाहिए, किससे आपको शादी करनी है। तो बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है, और किसी पर्सन को लेके भी बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल रही है। और पर सबसे अमेजिंग चीज़ क्या है, ऐसा लग रहा है किसी का सच आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, किसी किसी का असली चेहरा आपको देखने को मिल रहा है। बट उसके बाद यहाँ पे इस कार्ड को क्रॉस कर रहा है टू ऑफ कप्स, तो जो कि ये बता रहा है जो भी सच हो या फिर जो भी चीज़ें आपको पता चलें या फिर आपके पर्सन को पता चलें, किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ सामने आए पर एक कनेक्शन है आपका किसी से, वो मतलब अगर कुछ गलत आपको समझ में आता है या फिर कुछ सही समझ में आता है या फिर कुछ भी होता है, बट यहाँ पे जो आपका किसी के साथ बॉन्ड है वो ख़राब नहीं होगा उस वजह से। या फिर अगर आपको लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें किसी के साथ आपकी बेहतर ही होंगी, ख़राब नहीं होंगी, तो अभी अगर आपको लग रहा है कि आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर अभी कुछ भी ऐसा किसी के सामने किसी का सच आ गया, या थिंग्स लाइक दैट, थोड़ी सी टॉक्सिक चीज़ें जो होती हैं जो हमें किसी के बारे में पता चलती है, बट उसके बाद भी आपका कनेक्शन किसी के साथ में जुड़ा हुआ ही है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर 3D लेवल पे आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे वो पर्सन आपसे कनेक्टेड ही है। हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो या आपका सोलमेट हो, क्योंकि फोकस में मुझे अभी बेसिस में मुझे फाइव ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। तो फॉर श्योर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है या फिर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, तो वो पेनफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स देखा था हमने बॉटम ऑफ द डेक में, तब मैंने आपको बताया था कि जो आपका पेन है वो अब जाएगा धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में दिख रहे हैं और अकेलापन फील कर रहे हैं, और कुछ क्योस हुआ है जिसकी वजह से आप इस लेवल पे आके खड़े हैं, क्योंकि पास्ट में मुझे पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को कुछ ऑफर दिया था अपना, और वो ऑफ़र बहुत ज़्यादा मैच्योर ऑफ़र नहीं था, क्योंकि शायद आप रेडी नहीं थे या फिर आपके पर्सन रेडी नहीं थे, कोई तो यहाँ पे रेडी नहीं था, जिसकी वजह से ये जो जिस तरीके से ग्रो होना चाहिए था एक रिलेशनशिप, जिस तरीके से स्टेबल होना चाहिए था, वो ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था, बिकॉज़ आप दोनों में से कोई था पर्सन जो रेडी नहीं था। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल भी आया है, येस, तो ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में थे स्कॉर्पियोज, बट किसी एक पर्सन को वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, कोई पर्सन इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा था। प्रेजेंट में मुझे फाइव ऑफ वांड्स दिख रहा है, और फाइव ऑफ वांड्स बता रहा है कि आपका किसी से कुछ मेजर मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपकी किसी से बात हुई है और आपका किसी से झगड़ा हुआ है, और उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है कि आप आपके पर्सन हो, उनके फ्रेंड्स हो या उनकी फैमिली हो जो उन्हें सपोर्ट कर रही हो, या फिर कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप ऑफ लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है प्रेजेंट में। तो दोनों आपके जो प्रेजेंट के कार्ड आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं स्कॉर्पियोज, और मुझे पता है कि आप अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं, बट फ्यूचर में मुझे यहाँ पे यहाँ पे फ्यूचर में फोर ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। अब फ्यूचर में फोर ऑफ पेंटिकल इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज, और आप प्लीज़ इसको ईगो पे मत लेना। हो सकता है कि आपने किसी के साथ गलत किया और आपकी रियलिटी किसी को पता चल गई हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आपको उस पर्सन की रियलिटी पता चल गई हो। बट इस एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया था टू ऑफ कप्स ने, मतलब ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है स्कॉर्पियोज। तो अगर फ्यूचर में आप
अपने पर्सन के साथ वापस से कांटेक्ट में आते हैं, हो सकता है वो इनिशिएट करें बात, या फिर हो सकता है आप इनिशिएट करें बात अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ज़रूरी है कि जो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा या फिर उसको आपको साइड में रखना पड़ेगा, नहीं तो सेम चीज़ बार बार होगी, सेम साइकिल बार बार चलेगी। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रांगली समझ में आ रहा है स्कॉर्पियोज कि आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है या फिर किसी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, और जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और अब ऐसा लग रहा है कि आपने दिल से कुछ चीज़ें लगा के रखी हुई हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, मतलब आपके दिल में या तो कुछ नेगेटिविटी है, या तो आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, या फिर आपको अब लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो आप जब नेगेटिव, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप अकेले हैं और लोअर वाइब्रेशन में थोड़े दिख रहे हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में रहेंगे तो वो चीज़ बार बार मैनिफेस्ट होगी। अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर दें अगर गलती आपने उन्होंने की है तो, और अगर आपने की है तो आप जाके माफ़ी मांग लें और जो भी पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ कर दें, नहीं तो ये फोर ऑफ पेंटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं फ्यूचर के लिए। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, आई विल टेक वन मोर। ओके, तो यहाँ पे एक तो चीज़ मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि सेम सेम प्रॉब्लम है, कुछ लोग शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो दिस विल टेक सम टाइम टू रिजॉल्व स्कॉर्पियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट विल टेक सम टाइम, बट ज़रूरी है कि आपको जो अपने लेवल पे करना है, जो स्पिरिचुअल लेवल पे करना है, आपको जो मैनिफेस्टेशंस करने हैं, जो आपको हीलिंग करनी है, वो आप करें, क्योंकि ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, दिस पर्सन इज़ हियर, ये कहीं नहीं जा रहा है आपको छोड़ के, ये घूम फिर के ये पर्सन आपके पास ही आएगा अगर आपके साथ में नहीं है तो। बट मीन वाइल ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ये जो भी पर्सन है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन मुझे मिस नहीं कर रहा है तो वो मिस कर रहे हैं, और पेज ऑफ सॉर्ड्स हमें बता रहा है कि वो आपके सोशल मीडिया को भी चेक कर रहे हैं और आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली इस पर्सन के जो दिमाग में या दिल में है वो आपको खुल के ये पर्सन अभी नहीं बता रहा है। ठीक है, हो सकता है, क्या रीजंस हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी रीजंस हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर दिस नाइट ऑफ पेंटिकल टू कम टू यू, राइट? तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ है कि दिस पर्सन विल बी विद यू, बट यू हैव टू हैव सम पेशेंस, मतलब आपकी तरफ से जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है, बाकी ये पर्सन कब आपके पास आएगा और कब आपको ऑफर देगा उस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ होगी, बट इट विल सॉरी आई एम फम्बलिंग, इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे द हायरोफेंट है आपके इमोशन में और एटीट्यूड में, तो नो डाउट आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं और एक कमिटमेंट चाहते हैं, और वो चीज़ होते हुए दिख रही है बिकॉज हायरोफेंट है, और हायरोफेंट हमें बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बनने वाला है जो सोसाइटी भी रिकोगनाइज करेगी, तो दिस विल टेक सम टाइम बट दिस विल मैनिफेस्ट। और मैंने मैनिफेस्ट की बात की और यहाँ पे द मैजिशियन है, तो क्लियरली दिस इज फर्दर फॉर सॉरी आई एम सो मच फम्बलिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, तो दिस इज फर्दर साइन कि आपको अभी अपने मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है, और ये बात रखी, ध्यान रखिए कि आप मैनिफेस्टेशन लोअर वाइब्रेशन में रह के नहीं कर पाएंगे। अगर आप फियर बेस्ड एनर्जी में हैं तो नहीं कर पाएंगे आप मैनिफेस्ट। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को रीसेट करें, अपने बिलीफ सिस्टम को हटाएं और एक फ्रेश माइंड के साथ वापस से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। अभी आपको दूसरा पर्सन क्या कर रहा है उसके एक्शंस को कंट्रोल करने की बजाय हम क्या बेटर कर सकते हैं, हमें कितना पेशेंस रखना है, हमें कितनी हीलिंग करनी है, हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। यहाँ पे द चैरियट है, चैरियट हमें फिर बता रहा है कि काफ़ी सारा फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है रिलेशनशिप में, चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चीज़ें बेटर होंगी, और चैरियट एक कन्फर्मेशन है कि ये चीज़ आपके पास
आएगी और चीज़ें सुधरेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें सुधरेंगी, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से सुधरेंगी, पर मीनवाइल आपको जो अपना काम करना है वो करना ज़रूरी है। आउटकम में सबसे ब्यूटीफुल कार्ड आया है, वो है थ्री ऑफ कप्स। सो अगर आप लव रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा, दिस कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो ये जो भी पर्सन के साथ में आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में चेंज होती हुई दिख रही है एनर्जी, ये आपसे बात करेंगे, ये चीज़ें सॉल्व करेंगे और फाइनली आपका रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है, बात बस इतनी है कि हमें पेशेंस रखना है, हमें हायर वाइब्रेशन में रहना है, जिससे कि हम बेटर आउटकम मैनिफेस्ट करें। तो ये आउटकम है आपका इस रीडिंग का, थ्री ऑफ कप्स मतलब रिकन्सिलिएशन पक्का है। ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ पे आप लोनली फील कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी टेम्प्रेरी, बहुत ही टेम्प्रेरी चीज़ है। तो ये जो भी झगड़ा हुआ है, ज़रूरी है कि आप इसको रिजॉल्व करें। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो आप उस पर्सन को माफ़ करें, क्योंकि आपको रहना है हायर वाइब्रेशन में। ठीक है, तो अगर ये रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं चल रहा है और आपको लग रहा है कि अभी ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ज़रूरी है कि जो लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप उन पे ध्यान दें। थोड़े टाइम के लिए इस चीज़ को अपने दिमाग में होल्ड रखें, मतलब कि पूरे टाइम इस बारे में नहीं सोचना है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो आई थिंक थिंग्स आर गुड स्कॉर्पियोज, बट अभी इतनी अच्छी नहीं है। आई नो अभी अच्छी नहीं है, बट जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें टर्न होंगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी आपकी लव लाइफ में। सो तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड अराउंड 14 या 15, 16 को मैं यू वर्सेस देम रीडिंग अपलोड करूँगी, जहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और आपकी एनर्जीज़ और आपकी कनेक्शन की एनर्जीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो, दिस पेन इज़ वेरी टेम्प्रेरी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपनी सैडनेस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी। और टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।